हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए परफ्यूम के रिव्यू वीडियो को लेकर। इस परफ्यूम के रिव्यू की रिक्वेस्ट आप लोगों ने ही की थी और आज आपकी ही रिक्वेस्ट पर इस परफ्यूम को लेकर आपके सामने आया हूँ। वैसे तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारे परफ्यूम्स की रिक्वेस्ट मुझे मिलती रहती है, लेकिन सारे परफ्यूम्स को मंगाना और वो भी जल्दी से मंगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैं एक एक करके उनको मंगाता रहता हूँ, तो अगर आपके परफ्यूम की रिक्वेस्ट में भी अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो इंतजार कीजिएगा, मैं उसका रिव्यू करूंगा जरूर। थोड़ा सा टाइम लग सकता है जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन सा है वो परफ्यूम जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। तो आपके सामने ये बॉक्स रखा हुआ है और एक प्यारी सी ग्रीन कलर की बॉटल भी रखी हुई है। ये है ग्रीन मस्क, रैमको कंपनी का ये ग्रीन मस्क है। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में कि ये परफ्यूम कैसा है। बॉक्स तो देख लीजिए आप, चूंकि लो बजट का है तो इसलिए इसका बॉक्स भी सिंपल सा है, थोड़ा सा शाइनी है। पीछे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई, आगे यहाँ पे ग्रीन मस्क लिखा हुआ है। तो बॉक्स तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, कैरी करने के लिए बॉक्स है इसलिए ठीक है। तो चलिए इस बॉक्स को रख देते हैं यहाँ पर और उठाते हैं उस बॉटल को। इस बॉटल को मैंने जब देखा तो मुझे जो पियर्स का सोप आता है उसकी तरह कुछ इसका डिजाइन लगा। वैसे ये सोप नहीं, ये परफ्यूम है, लेकिन इसकी जो बॉटल का डिजाइन है वो पियर्स के सोप की तरह ही ट्रांसपेरेंट सा और वैसे ही शेप में करीब करीब मुझे लगा। अब देख लेते हैं कि इसका कैप कैसा है। इसका कैप देखिए प्लास्टिक का है, बहुत ही सस्ते प्लास्टिक का हल्का सा कैप है और इसका जो एटमाइजर है उसपे भी एक प्लास्टिक का ऊपर छोटा सा कैप लगा हुआ है। तो चलिए अब निकालते हैं इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है। इसको मैं इस पैड पर स्प्रे करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसी है। इस पे स्प्रे करने का कारण ये भी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परफ्यूम्स को टेस्ट करता हूँ, इसलिए ज्यादा स्किन पे लगाने से उनका कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आज मैं इस पैड पर इसको स्प्रे करके इसकी स्मेल को चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसी है ये स्मेल। तो देखिए ये बड़ी ही सिंथेटिक परफ्यूम है, सस्ता परफ्यूम है, इसलिए जो सिंथेटिक वाइब्स होती हैं वो इसके अंदर आनी बहुत ही स्वाभाविक है कि ये थोड़ा सिंथेटिक तो होगा ही। तो सिंथेटिक स्मेल को आप एक साइड अगर कर दें तो ओपनिंग जो होती है इसकी, इसके अंदर आपको लेमन की स्मेल आएगी, थोड़ी सी फ्लोरल स्मेल भी आएगी और मिंट की स्मेल भी आएगी। फ्लोरल स्मेल में आपको दो फूलों की स्मेल काफी अच्छी तरीके से महसूस होगी, एक तो चमेली के फूल की, जैस्मिन के फूल की, और दूसरी रजनीगंधा जो फूल होता है ना उसकी भी आपको हल्की हल्की स्मेल इसके अंदर से आएगी। और इसके मिड नोट में आपको थोड़े से स्पाइसी नोट्स मिलेंगे कार्डमम के और साथ में ब्लैक पेपर के। तो इन नोट्स के साथ फ्लोरल मिंटी स्पाइसी नोट्स के साथ ये करीब करीब एक से डेढ़ घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है, काफी दूर तक प्रोजेक्ट करता है। लेकिन मैं प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या समझता हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्शन को ऐसे समझता हूँ, जब लोग आपके पास आए कि भाई तुमने कौन सी स्मेल लगाई है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है वो अलग चीज है, लेकिन जब आपको नोटिस करते हैं लोग और कितनी देर तक नोटिस करते हैं कि आपके पास से कोई स्मेल आ रही है उसको मैं प्रोजेक्शन समझता हूँ। और जब आपको लोगों के पास जाके महसूस करना पड़ता है कि मैंने कोई परफ्यूम लगा रखा है तो आप यूँ समझिए कि उसका प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है। आपको कोशिश करनी पड़ रही है कि उस स्मेल को आप लेके उन तक जाएं और उन्हें महसूस कराएं कि मैंने कोई परफ्यूम लगाया है। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ तो कम से कम एक से डेढ़ घंटे तक ये लोगों को एहसास कराता है कि आपने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है। लॉन्जिविटी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, अब बात करते हैं कि इसका बेस नोट कैसा है। देखिए मिड नोट में मैंने आपको बताया कि स्पाइसी नोट आते हैं और जो बेस नोट है उसमें आपको मस्क की और सिर्फ चमेली की स्मेल आएगी, चमेली की और मस्क की मिक्स स्मेल आएगी जो कि काफी अच्छी लगती है। ओपनिंग में तो एक से डेढ़ घंटा तक बहुत ज्यादा मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा, लेकिन ड्राई डाउन में ये ठीक ठाक परफ्यूम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है। देखिए इसकी लॉन्जिविटी काफी अच्छी है, कम से कम 6 से 7 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इतना सस्ता परफ्यूम और इतनी अच्छी लॉन्जिविटी। तो लॉन्जिविटी इसकी काफी अच्छी है, 6 से 7 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना इस परफ्यूम के बारे में वो ये है कि जैसे एक रूम फ्रेशनर होता है ना उस तरह का ये इफेक्ट देता है। मुझे परफ्यूम कम लगता है, रूम फ्रेशनर ज्यादा लगता है, और शायद इस वजह से कि बहुत ज्यादा सिंथेटिक है। तो चलिए ये सारी बातें तो हो गई इस परफ्यूम के बारे में, अब
आप बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या है, तो देखिए इसकी जो एमआरपी है वो 324 रुपए की है, 324। लेकिन मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो मुझे ये 265 का मिल गया था। तो 265 में ये 100 ml की बॉटल आती है, ग्रीन मस्क की, रैमको कंपनी का है, एक सस्ता परफ्यूम है, बहुत ही सिंथेटिक परफ्यूम है। इसको लेने से पहले आप सोचिएगा कि क्या आपको इस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद आती है जो कि एक रूम फ्रेशनर का भी काम कर सकती है। तो अगर आपको इस तरह की स्मेल पसंद है तो आप इन्हें जरूर ले सकते हैं। ये एक समर परफ्यूम है, स्पेशल ओकेजन पे लगाने वाला नहीं है, आप कैजुअली इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं है जिसे आप लगा सके तो आप इसको लगा सकते हैं, ये आपकी एक लास्ट चॉइस हो सकती है। चलो कुछ नहीं है तो यही सही, ये है मेरी अपनी ओपिनियन। आपने अगर इसको यूज किया है तो आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको कैसा लगा। मुझे तो एक एवरेज परफ्यूम लगा, एक सिंथेटिक परफ्यूम लगा, परफ्यूम कम, रूम फ्रेशनर ज्यादा लगा, सस्ता है, बस यही इसकी यूएसपी है। तो ये था रैमको के ग्रीन मस्क के बारे में मेरा अपना ओपिनियन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से नए नए परफ्यूम्स के बारे में बताता रहता हूँ। आज मैंने आपको रैमको के ग्रीन मस्क के बारे में बताया, इसी तरीके से बहुत ही जल्दी फिर किसी नए परफ्यूम के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज इतना ही, बहुत ही जल्दी आपसे फिर किसी नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।